बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आई हुई हूँ अम्मी की तरह, तो काफ़ी दिन हो गए मैं आई नहीं थी, तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो आज बच्चों की छुट्टी कर गए, घर खड़े थे स्कूल से, तो इसलिए मैं उसका आज चक्कर लगा लूँ। तो अभी माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी अच्छा है और टाइम हो रहा है तकरीबन 11 का। तो आज मैंने अपने भाई के घर में कुछ काम हो रहा है, वो भी आप लोगों से शेयर करना है। पहले भी आप लोगों को बताया था और आज खास आप लोगों को मैं एक और चीज़ भी दिखाऊंगी। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाना है दादी का कमरा भी, वो कैसा है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएँगे। तो पहले मैंने आपको दिखाया था कि घर का काम, भाई के घर का काम माशाल्लाह से शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम कुछ हो गया है, कुछ अभी थोड़ा बहुत हो भी रहा है, तो अभी कुछ दिन और भी लगेंगे। तो दादी जान के जो है ना घर का मतलब उनके कमरे का ही थोड़ी सेटिंग हुई है, उनकी आगे जो दीवार थी वो भी सेटिंग की है। तो दादी जान भी यहीं पे रहती हैं, पहले तो वो रहती थी इधर मेरे और चाचू के घर, लेकिन अब वो मेरे अबू के घर रहती हैं यहीं पर। तो माशाल्लाह इनके घर बहुत ज़्यादा रौनक होती है, दादी जी होती है। तो पहले हमने आप लोगों को दिखाया था वो 12,000 का काम हो रहा था, वो मुकम्मल हो गया। तो ये शहन की दीवार थी, ये भी गिरी पड़ी थी, तो आज इसका काम हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह बरामदा वगैरह बनवाएंगे और आगे से प्लस्तर वगैरह जो भी नहीं हुआ हुआ है, तो बरामदा बनवाने के बाद ही प्लस्तर होगा। तो अभी जो है ना अबू भी साथ मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर के साथ अबू भी साथ में उनका काम करते हैं। तो सुबह से आप लोग जानते हैं मुश्किल आते हैं, तो सुबह सुबह यहाँ पर ये दीवार बीच में हुई थी, तो यहाँ पर पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि ये दीवार आज सुबह मुकम्मल किया है, ये दीवार पे रहती है वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो जो है दस हज़ार के कमरे के आगे ही है ये दीवार, तो मोटर वगैरह भी यहीं से लगी हुई है। तो ये छोटी से छोटा सा चैन है दादी के कमरे का, तो इसको जो है ना पक्का बनवाएंगे। और ये देखें तो प्लस्तर के लिए मसाला तैयार किया है, कुछ अभी सीमेंट बची हुई भी है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे काम साथ साथ होता रहेगा और सीमेंट वगैरह का काम भी होता रहेगा। तो अभी मैं चल के दिखाती हूँ आपको दादी का कमरा। तो ये है मेरी दादी का छोटा सा कमरा, ये पिछले साल ही बनवाया है दादी ने, वैसे तो नया है लेकिन है थोड़ा छोटा। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पुराना रिवाज है, ये उनकी एक पेटी है, एक बक्सा है, इसमें रजाएँ वगैरह सब कुछ रखती हैं और मक्की दान है, रोटियाँ वगैरह सब। वैसे तो दादी जान के पास काफ़ी सारे सामान है, वो हर चीज़ इसमें रखती है मक्की दान में। और कितने साल पुरानी दिन की फिर भी आपको नहीं लग रहा होगा कि ये पुरानी है, क्योंकि ये दादी जान की शादी के टाइम की है, तो आप खुद सोचें कितना अर्सा हो गया है। और दादी जान माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं, पुराने पाक पढ़ती हैं, और ये उन्होंने अभी बनवाया है। और ये 2-4 टाइम अच्छी हुई है, और इसके साथ ये कूलर पंखा भी उन्होंने पीछे साल ही लिया है माशाल्लाह से, ये भी अच्छा है। तो अभी दादी जान घर है नहीं लगता है, लड़के घर भी साथ है वहीं के गली में है। सुबह सुबह आप लोग जानते हैं कि अबू और भाई के जानवर भी हैं, तो उनके लिए घास वगैरह का इंतजाम भी करना होता है, तो ये कपास में से घास उन्होंने जो है ना काट कर ले आए हैं, और सामने ही डारा है, तो ये सारा सिस्टम अब सही हो गया है। और ये दरवाज़ा रखा है उन्होंने आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी रास्ता है लेकिन सड़क से भी रास्ता रखा है, लेकिन ये भी सही है कि यहाँ से जानवर वगैरह का घास वगैरह यहीं से लाते हैं। तो ये पक्की दीवार जो है ना मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया था, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। तो अंदर से मैंने आपको दिखाया दीवार बिल्कुल सादा लग रही थी, लेकिन बाहर से आप लोगों को दिखाते हैं ये थोड़ा डिज़ाइन वाली बनाई है, लेकिन अभी जो ना इसका काम भी मुकम्मल नहीं हुआ, प्लस्तर वगैरह और डिज़ाइन बीच में बनवाने हैं, लेकिन फिर भी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम बिल्कुल सही हो रहा है, तो बस ये काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन लगेंगे क्योंकि काफ़ी सारा काम था भाई के घर का जो कि अभी मुकम्मल करवाना था। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पक्की दीवार बनवाई है और डिज़ाइन वगैरह सारी दीवार में है, तो जैसे ये डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर बनेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वाकई में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन जो है बन जाए। तो अभी चलते हैं गेट की तरफ। तो माशाल्लाह से ये गेट है जो कि मेन गेट इन्होंने लगवाया है सड़क पर, जैसे आपको बताया था बिल्कुल रोड पर लगवाया है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर आने जाने का रास्ता है और यहाँ पर काफ़ी रश भी होता है। तो ये रस्सियाँ आप लोग देख रहे हैं ये बांध के रखी हुई हैं, तो कल ही इन्होंने गेट लगाया है, तो जब तक प्लस्तर नहीं हो जाता ये रस्सियाँ ऐसे बांध के रखेंगे ताकि गेट आगे पीछे ख़राब ना हो। तो एक बड़ा गेट है उसके साथ ये छोटा गेट भी है, यहाँ से भी आने जाने का रास्ता अच्छा है। और साथ में पक्की से जो है ना ये दीवार भी गिरी हुई थी, इसको बिल्कुल पक्का बनवाए, बल्कि ऊँची बनवाई, क्योंकि रोड की जगह है, आने जाने की जगह है इस वजह से।
इंशाल्लाह ये अंदर का जो दीवार का काम हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, फिर इसको प्लस्तर भी करवाएंगे और जो डिज़ाइन इसमें बनाने वो भी बनाएंगे। आपको दिखाया है बाहर से बांधा हुआ था गेट, तो ये देखें अंदर से भी बिल्कुल वैसे ही उतनी जगह बांधा हुआ है, अभी मुकम्मल तो नहीं है। अंदर से बिल्कुल ये दीवार भी और ये गेट भी बिल्कुल साफ़ है, तो अंदर से कोई डिज़ाइन नहीं है, तो बाहर से डिज़ाइन है। अभी आप लोग ऊपर गेट की जगह देखते होंगे तो ये कोने जो बने हुए हैं इन पर अभी सरे जो ना डाल के इन पर डिज़ाइन अभी बनवाने हैं, तो इसमें ये गेट मजबूत हो जाए इस वजह से अभी थोड़ा लेट कर दिया है। जैसे इसको प्लस्तर करते हैं ऊपर से डिज़ाइन भी बनाएंगे, और गेट का कलर अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक ही है, तो जैसे ही ये प्लस्तर वगैरह होता है उसके बाद कलर इसके चेंज करके दो तीन कलर मिला के खूबसूरत से इसको दोबारा से कलर करेंगे और बहुत ही प्यारा हो जाएगा। के मुजम्मिल और ऐमन के काम रेत पर खेल, क्या कर रहे हो? तो आज सुबह से आए हैं और हुसैन जो ना अभी सोया हुआ है, इस वजह से मुजम्मिल जो ना अभी अपनी बहन के साथ खेल रहे हैं। तो जैसे घर में बनवाया उसके साथ साथ नई बनवाई है क्योंकि मंदिर बिल्कुल खराब हो गई थी, अभी जो ना बंद रहे और भी बनवानी है जो थे सीमेंट और ईंटों से बनवाएंगे पक्की, लेकिन अभी फिलहाल तो काम जारी है, इस वजह से जो ना इस ये बंदर ले आए हैं बाहर की तेज जो ना घास वगैरह डालते हैं, माशाल्लाह खाने की भी जगह यहाँ पर जाने स्कूल से बैठे हुए हैं, घास वगैरह मैंने खा ली है, तो काम काफ़ी ज़्यादा होता है, जानवरों का काम भी होता है, फिर साथ में घर का काम और मिस्त्री वगैरह आए हुए हैं, तो सारा दिन ही भाई और अभी तो देना टाइम नहीं मिलता, बहुत सारा काम होता है। तो आज का जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसी मौसम में ज़्यादातर एक तो गर्मी बहुत होती है, तब भी मिस्त्री वगैरह को नहीं बुला सकते, काम नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं, और सर्दियों में भी, लेकिन इस मौसम में हर कोई अपनी जगह वगैरह का काम जो होता है ना वो करवाते हैं, तो इसलिए भाई ने बिता के हम अपने घर की सेटिंग जो है ना अब कर दें, क्योंकि थोड़ी फुर्सत भी है, तो कपास वगैरह चुनाई वगैरह अभी कुछ ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है और जो घर का काम है वो कैसा लगा है तो आप लोगों ने बताने, तो आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, ये हमारी दुआ होती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।